अगर आपके पास कोई बाइक है जिसकी बुलेट जाए बुलेट हो जाए कोई और बाइक हो जिसकी बैटरी बार की तरफ हो जाए लेफ्ट और राइट साइड जिसकी सीट के नीचे ना हो और आपकी बैटरी अगर एक बार ही चोरी हो गई है और आप जाके एक ऐसे पत्ती लगा के इसमें एक नट यहाँ पर लगवा लेते हो और एक नट यहाँ लगवा लेते हो और सोचते हो कि दोबारा बैटरी चोरी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आपकी गलत फहमी अभी दूर करता हूँ। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तरन दी राइडर व्लॉग। सो गाइज, जब मैंने लास्ट व्लॉग डाला था हॉन्टेड वाला, तब मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो आएगा लॉन्ग राइड का। उसके अगले दिन मैंने लॉन्ग राइड पे जाना था, तो हुआ यूं कि लॉन्ग राइड मैं सुबह 3 बजे उठा, नहा धो के कपड़े वपड़े सब कुछ पैक करा, बैग वैग पैक करा, थोड़ा जो व्लॉग घर में शूट करना शूट किया, उसके नीचे उतरा। थोड़ा अंधेरा था तो नीचे उतरा, मैंने बुलेट स्टार्ट करने की कोशिश करी, इग्निशन ऑन करा तो लाइट नहीं जली, इसकी हली भरी लाइट नहीं जली, तो मैंने सोचा कि चाहे बैटरी शायद बैटरी की तार ढीली होगी होगी, तो देखा तो बैटरी गायब, बैटरी चोरी हो चुकी थी, लॉक टूट के नीचे तोड़ के नीचे रख दिया, ढक्कन भी थोड़ा टेढ़ा कर दिया था इसका, बैटरी के कवर का पूरा टेढ़ा कर दिया। सो आप लोग कहोगे चोरी होगी तो क्या हो गया, बैटरी लगवा लेना, मैं कहा बैटरी तो मैंने लगवाई ली थी अगले दिन एक डेढ़ दिन के बाद लगवाई ली थी मैंने, क्योंकि मैंने लॉन्ग राइड पे जाना था। तो हुआ यूँ कि इसके बैटरी का जो इसमें बुलेट में जो बैटरी है वो लगती है 2 से 3, 3 से 4 तरह की बैटरीज होती हैं, तो उसके लिए मेरा जो वारंटी कार्ड था जो पहली बैटरी थी वो बिल्कुल 3 महीने पुरानी थी, बिल्कुल नई बैटरी थी वो, तो उसका वारंटी कार्ड थोड़ा मिसप्लेस हो गया था, उसको ढूंढने में 1-2 दिन लग गए, उसको ढूंढ के फिर उसको दिखा के वो बैटरी का नंबर लगा जो नंबर उस पर लिखा था वो लेके आए थे, उस पर लगाया है। बट सारी बात वो नहीं है, कहानी अब शुरू होती है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो चोर चोरी तो कर गया बस, साथ में एक बना गया छोटी सी मूवी, मूवी का नाम है वेब सीरीज समझ लो एक चोर हूँ मानूंगा नहीं, एक बारी नहीं 3 बारी चोरी करने हैं, 3 बारी 3 बारी 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर 3 बारी चोरी करने हैं वो बैटरी, साथ में पूरी वीडियो में उसके रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2-3 दिन बाद दोबारा मैंने बुलेट निकाल, मैं तो चलो एक गेड़ी मार आते हैं बुलेट निकाल ले, तो देखा तो लॉक दोबारा टूटा हुआ, तो पूरी कहानी चाहता हूँ, पहले आप ये वीडियो देखो। वीडियो देख लिया आपने, हुआ यूं कि उसने पहले चोरी कर चुका था, पहले बैटरी लेके जा चुका था वो, दोबारा बैटरी चोरी करने आया वही सेम चोर, पहली वाली मेरा वीडियो नहीं है ये दूसरी, उसने देखा तब तो उसको ये नहीं पता था कि मैंने वैसे पत्ती और 2 नट लगवा दी हैं, वो आया 12-13 सेकंड का देखो वीडियो 12-13 सेकंड की है, उसने फटाफट चेक करा तो लॉक फिर तोड़ गया, जनरल लॉक फिर तोड़ गया, फिर उसने देखा कि ये क्या नाम है पत्ती लगी है, वो भाग गया। अब मैंने जब फिर हमने बच्चा ले गया था, हमने लॉक टूटा देखा तो बच्चा लगा चोर आया, फिर हमने दोबारा मैंने फिर लॉक नहीं लगवाया, मैंने कहा भाई ये लॉक कितनी बार लगवाऊं, मैं लॉक अभी नहीं लगवाया मैंने। हुआ यूं कि 2-3 दिन बाद वो भाई साहब दोबारा आए, अब दोबारा वीडियो देखो आप, तेरे जुल्फे सुवारेंगे अब अच्छी तरह, एक बार तो आ जा, ये पता नहीं ढक्कन भी तोड़ गया ना, अच्छा ये ढक्कन भी बड़ा महंगा है यार। हाँ भैया ब्लूइट की बैटरी महंगी तो कुछ महंगी, हर चीज महंगी है इसकी, ओरिजिनल तो मिल वो भी तोड़ गया, बॉक्स ही पे तो कितना महंगा है वो, बॉक्स ही बहुत महंगा आएगा, वही रिकॉर्डिंग हुई है ना, हुई है हाँ हुई है, वही लड़का है, वही है वही लड़का है, पहचान लिया मैंने, वही है वही है, वो टी शर्ट में था कमीज में, वही है वही है, मिस्त्री का लड़का ये मिस्त्री, हाँ सब जा रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर नट लगाए थे, एक नट येरा वो ये नट खोल लेता और बैटरी निकाल के ले जाता, फिर मैंने अब क्या किया, अब मैंने इसको वेल्ड करवा दी है, ये देखो यहाँ भी यहाँ से वेल्ड करवा दी है, अब ये इधर से वेल्ड करा दी है, अब ये इसे खोल नहीं सकता। हाँ अब ये था कि थोड़ा सा परेशानी वाली बात है, अगर बैटरी खराब हो जाएगी तो उसको पहले कटवाने पड़ती है, कटवाना ही पड़ेगा, बट चोरी होने से अच्छा है
कि ये करवा लिया जाए काम। बैटरी बिल्कुल नहीं लगवाई है, 7-8 दिन पहले बैटरी लगवाई है, कंपनी की बैटरी है ये। और वैसे भी बाइक और स्कूटर की बैटरी कम ही खराब होती है, अब इसे कटवाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बैटरी बुलेट की बैटरी महंगी आती है, 2500-3000 रुपए की बैटरी आती है इसकी, तो बार बार बैटरी चोरी करने से अच्छा इसको वेल्ड करा लिया जाए। अब मैंने अभी तक इसका लॉक नहीं लगवाया है, मैं कहता हूँ एक बारी बस दोबारा आ जाए, देख ले कि वो अब ये लॉक नहीं तोड़ सकता। अच्छा बाय द वे, आप देखा मैं दिल्ली से बाहर आया हूँ, मेरा बड़ा मन था दिल्ली से बाहर शूट करने का, तो मैं दिल्ली से बाहर आ गया। दिल्ली मेरे शूट करने का मन नहीं करता, इतना हैटिक होता ना वो हॉर्न पा 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 पा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको लॉक नहीं लगवाया, मैं कहा एक बार वो दोबारा आ जाए, लॉक देख जाए कि वो दोबारा बैटरी नहीं खोल सकता तो वो दोबारा नहीं आएगा। हमने पुलिस कंप्लेंट करी 2-3 बारी, उनको वीडियो भेजी, जिस ऑफिसर ने आना था वो कहता है मैं जाम में फंसा हूँ, आज मेरे का 7-8 दिन हो गए वो बंदा जाम में ही फंसा, दोबारा नहीं आया, उसको 2-3 वीडियो भेज चुके हैं। तो मोटी मोटी बात है कि आप टैक्सेस भरो, कुछ भी करो, बट सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, कोई नहीं सुनता। ये छोटी मोटी बैटरी चोरी होना, सामान चोरी होना, कार का सिस्टम चोरी होना, ये बहुत छोटी बात है, मतलब कि समझ लो बहुत छोटी बात है। और वन मोर थिंग, आपने देखा है लड़का चाबी पानी लेके आया था, लड़का मिस्त्री का था, किसी घर के पास से काम मत करवाया करो, दूर से कराया करो, वो पता होता है ये गाड़ी किस एरिए की है, इसमें क्या क्या सामान लगा है। मैं भी गाड़ी सिस्टम लगवाता हूँ, मैं पास से नहीं लगवाता, मैं कहीं दूर से लगवाता हूँ, क्योंकि मेरे को हमारे पहले भी 2-3 बारी चोरी हो चुके हैं। अब इस जो पूरी कहानी है इसका क्लाइमैक्स शूट नहीं हुआ है, क्योंकि भी लड़का पकड़ा नहीं गया है, बंदा 16 साल का लड़का है। मैं तो नहीं चाहता क्लाइमैक्स शूट होकर हाथ में पकड़ा जाएगा, हम वैसे सारे आजकल हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इसका डब्बा खराब कर गया, पूरा मोड़ गया है डब्बा इसका, 3-4 हज़ार रुपये का वो इसका आएगा, कवर आएगा, बैटरी का कवर आएगा, वो जन्म लगेगा कंपनी से, उसके बाद लॉक तोड़ गया 3 बारी। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस भी, चलो खैर आपको बता ही दिया सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, पुलिस वाला फ़र्क नहीं पड़ता है, 3-4 बार को वीडियो भेज चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया। अगर वो पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं, उसको उसके माँ बाप को बुला के समझा देते हैं तो अच्छा, नहीं तो कल को वो अभी छोटी चोरियाँ कर रहा है, कल को बड़ी करेगा, हो सका चोरी करते करते मर्डर भी कर दे, तो फिर वही बात है ना, किसको फ़र्क पड़ता है। कोई नहीं इस बात को कोई नहीं समझता कि भाई हर बंदे का मेहनत का पैसा होता है। जो उस बंदे ने 3 बारी चोरी करी, इतना निडर चोर है, उसे भी पता है कि कोई इसकी कोई सुनेगा भी नहीं, कंप्लेंट करने जाएंगे कोई सुनेगा भी नहीं, छोटी मोटी बात है। अगर दिल्ली में ही ना बैटरी चोरी और सिस्टम चोरी की रिपोर्ट लिखाई जाए ना, तो हर महीने 1 लाख चोरी की रिपोर्ट लिखाई जाएगी, इतनी बैटरी चोरी होती है, इतने सिस्टम चोरी होते हैं। सो गाइस, अब मैंने इसकी नई बैटरी डलवा दी है, सारी सर्विस की करवा ली है, अब जो नई नेक्स्ट वीडियोज आएंगी वो आएंगी लॉन्ग राइड की, सारी वीडियोज जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होंगी, रेगुलर ट्रैवल वीडियोज नहीं होंगी, कुछ डिफरेंट करेंगे हम। और गाइज, अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपके लिए मैं और बढ़िया वीडियोज लाता रहूं। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।